आप भी लगातार कई घंटों तक बैठ के काम करते हैं, यानी आप ऑफिस वर्कर हैं, या आप सिलाई का काम करते हैं, या आप स्कूल टीचर हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा काम है कि कई घंटे तक आप बैठे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि भविष्य में या तो आपको गर्दन का दर्द हो सकता है, कंधों का दर्द हो सकता है, या आपके लोअर बैक पेन हो सकता है, शियाटिका का पेन हो सकता है, कुल्लों का दर्द हो सकता है। मतलब दर्द आने के चांस आपके 80% है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो, क्योंकि काम तो जरूरी है, काम को छोड़ के हमारा काम नहीं चलेगा, तो अगर आप अपने पेन से बचना चाहते हो, भविष्य में आने वाली जो परेशानी है उससे आप बचना चाहते हो, तो आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली वो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। जो भविष्य में ये पेन आने की समस्या है आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको कभी पेन नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जब भी हम बैठते हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में बैठे हो, कितना भी आप सतर्क होकर बैठ जाइए, कितना भी आप सीधा होकर बैठ जाइए, लेकिन हमारी स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है। हमारी स्पाइन के बीच जो कुशन होती है उसके ऊपर प्रेशर आता है, और अगर ये प्रेशर लगातार बना रहता है तो बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि आपको स्लिप डिस्क हो सकती है भविष्य में, या कुल्लों का दर्द हो सकता है, क्योंकि आपके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, जाम होना शुरू हो जाते हैं, आपके मसल्स उतने मजबूत नहीं रह पाते जितने मजबूत आपके होने चाहिए या आपके यंग एज में होते हैं। अब ये मसल्स कितनी जल्दी वीक होते हैं ये डिपेंड करता है कि कितने आप एक्टिव हो, आप कोई एक्टिविटी करते हो या नहीं करते हो, आपकी डाइट कैसी है। बिल्कुल सेडेंटरी आपका लाइफ स्टाइल है, डाइट भी बिल्कुल खराब है, तो बहुत जल्दी चांस है कि आपको 30 से 35 साल की उम्र में ये दर्द आने वाले हैं। और जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हो कि 30 साल की उम्र में ही हम एक्सरे करवा रहे हैं, सिटी स्कैन करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्द आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की गर्दन में सर्वाइकल हो चुका है, यहाँ पे पेन रहता है, कंधों में दर्द रहता है, उनकी बाजू इस तरीके से उठ नहीं सकती है, तो ये सारी समस्या उनको पहले से ही आनी शुरू हो गई है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने पैसे बचाना चाहते हो, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाना चाहते हो, भविष्य में सेफ रहना चाहते हो, सबसे पहले अपने डाइट सुधारिए। किस तरीके का आपका खाना है, ओवर ईटिंग ना करिए। बहुत ज़्यादा देर तक अगर बैठे रहते हैं तो खड़े हो जाइए, यानी जो भी आप पोज बहुत देर तक मेंटेन करके रहते हैं उसका काउंटर पोज जरूर करिए। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरीके से मुड़े रहते हैं तो 80% चांस है कि आपकी कमर भविष्य में इस तरीके से ही हो जाएगी, यानी आपकी स्पाइन मुड़ जाएगी। अगर ये आपका स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको पेन होने ही वाले हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं था, तो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से कुछ घंटों के लिए रहते हैं और बाद में आप इस तरीके से भी अपनी स्पाइन को करते हैं, मतलब उसका काउंटर पोज भी आप करते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि आपकी स्पाइन इस तरीके से झुकी नहीं रहेगी। आप अपनी स्पाइन का कर्व बैलेंस कर सकते हो, यानी मेंटेन कर रहे हो साथ साथ ही। तो मेरा मतलब यही है, जब हम बैठते हैं इस तरीके से, जैसे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, या बहुत सारी महिलाएं सिलाई कर रही हैं, तो जितना भी कोशिश कर ले वो सीधा होने का उनकी कमर हो ही जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान काम में चला जाता है। तो बस आपको इतना सा करना है, कम से कम 2 से 3 बार जब भी आपको समय मिले उसका काउंटर पोज जरूर करना है। काउंटर पोज क्या है आपको कैसे पता चलेगा, मैं बताने वाली हूँ। देखो, जो लोग बैठ के काम करते हैं तो उनकी गर्दन और उनकी स्पाइन कुछ इस तरीके से रहती है, आपकी स्पाइन होती है वो ज़्यादा फ्लेक्शन में चली जाती है। अब आपको एक्सटेंशन में लाने की कोशिश करना है, यानी उसका काउंटर पोज करना है। तो सबसे पहले एक दीवार के पास आपको जाना है, आप दीवार के साथ इस तरीके से खड़े हो जाइए, ऐसे हाथों को रख लीजिए, इस तरीके से खड़े हो जाइए, थोड़ा सा दूर होके खड़े होना है ऐसे, और ध्यान रखें कि आप इस तरीके से झुक सके, आपकी कमर स्ट्रेट रहे, गर्दन सीधी रहे, और एक 90 डिग्री का एंगल बन पाए आपकी लेग्स के और आपके अपर एरिया में, एक 90 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा नीचे भी ना जाए और बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना रहे। इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करें ऐसे, फिर वापस, और फिर इस तरीके से अपनी जो स्पाइनस को फ्लेक्शन में ले जाए ऐसे, जो आपका हिप एरिया है उसको अंदर की तरफ ऐसे पुश करें ऐसे, और फिर इसी तरह 90 डिग्री के एंगल पे कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखें,
और जब आप सीधे हों तो इस तरीके से पोज में ले जाए अपनी स्पाइन को, कम से कम 5 से 10 रेपिटेशन आपको जरूर करने हैं एक बार में, और बिल्कुल रिलैक्स होके करें। ऐसे नहीं कि आप जल्दीबाजी में कर रहे हैं, कुछ लोग इस तरीके से करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। जब आपको लगे कि बिल्कुल रिलैक्स हैं, 5 से 10 मिनट आप अपने लिए निकाल सकते हैं, उसी टाइम पे करें, और दिमाग में से सारी चिंता सारी टेंशन आपको निकाल देनी है। ऐसे इसी के साथ ही जो नेक्स्ट आपने करना है, आपको इस तरीके से हाथों को रखना है, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं खींचे, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं रखे, जितने आपके जो हाथ हैं आर्म है पूरी एक्सटेंड हो सकती है, तो ऐसे अपने दीवारों के पास रख दिया। और आप कम दूरी खड़े हो, मतलब दीवार से बहुत ज्यादा दूर नहीं खड़े होना है, थोड़ा सा पास खड़े होना। इस तरीके से आप धीरे धीरे आपको अपर बॉडी को ऐसे, यानी अपनी चिन को आपको दीवार से लगाना है, आपकी जो ठोड़ी है उसको दीवार से लगाना है ऐसे। ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, हार्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको करना आ जाएगा। सिर्फ आपको अपनी अपर बॉडी को, अपनी छाती को और अपनी चिन को ऐसे दीवार से लगाना है, आपके हिप्स पीछे ही रहेंगे। देखो ध्यान से देखो, हिप्स वाला एरिया पीछे रखना है। ऐसे हाथों को रखते हुए आपको अपनी छाती को और अपनी चिन को दीवार से लगाना है। कम से कम 4 से 5 रेपिटेशन आपने करने हैं। थोड़ा सा लगेगा कि खिंचाव महसूस हो रहा है, आपको स्टिफनेस लगेगी, हो भी नहीं पाएगा 1 से 2 दिन, लेकिन धीरे धीरे करते जाइए। आपका ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व है बिल्कुल मेंटेन रहेगा। आपको कोई सर्वाइकल की समस्या है, या कंधों में दर्द रहता है, आपका नेक पेन रहता है, या आपको अपर वाला जो एरिया है आपकी बैक में पेन रहता है, ये वाला अगर है तो वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। और भविष्य में आने की तो आप चिंता छोड़ दीजिए, भविष्य में कभी पेन नहीं आएगा अगर आपने पहले से ही एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो ये 2 एक्सरसाइज आपने करनी है, अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। दूसरा, एक्टिव रहिए, अगर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है सीढ़ियाँ चढ़ के जाइए, लिफ्ट का यूज मत करिए, थोड़ा सा वॉक करिए आधे पौने घंटे का, मतलब आपको फिट रहने के लिए ये जरूरी है, बॉडी को एक्टिव रखना जरूरी है। और साथ में सही डाइट का ध्यान रखना जरूरी है, अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करके अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं, भविष्य में जो पेन आने वाले थे उनसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।